दोस्तों, क्या आप भी दुनिया भर के अरबतियों से प्रेरित है और आप भी उनकी तरह अमीर बनने का सपना देख रहे हैं? क्या आप भी शेयर मार्केट के उतार चढ़ावों और इसमें निवेश के नतीजों को लेकर उलझन में है? क्या सच में आपको शेयर बाजार में निवेश करने से डर लगता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपको इन्वेस्टोनॉमी बुक समरी जरूर सुननी चाहिए। इन्वेस्टोनॉमी बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? अगर आप इक्विटी इन्वेस्टिंग में फेल हो चुके हैं, तो इस बुक से आपको अपने ज्ञान को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन्वेस्टोनॉमी बुक को लिखने का उद्देश्य निवेशकों को शेयर मार्केट में निवेश के बुनियादी नियमों से अवगत कराना है। इस बुक में उन सभी बुनियादी रणनीतियों और नियमों का खुलासा किया गया है जिनका निवेशकों द्वारा शेयर चुनते समय ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस बुक को पूरी तरह पढ़ना यह सुनिश्चित करेगा कि आप भली भांति सीख जाएंगे कि शेयर मार्केट में किस तरह सफलतापूर्वक निवेश करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि आपने भी मेरी तरह अपने किसी दोस्त को कहते हुए सुना होगा कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं अपना कपड़ों का व्यापार शुरू कर पाता, या काश मेरे पास रेस्टोरेंट खोलने लायक पैसे होते। ऐसी अभिलाषाओं को सुनने के बाद मैं अक्सर अपने दोस्तों का यह कहकर साहस बढ़ाता हूँ कि अच्छा है, अपने सपनों को सच बनाओ। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो उन्हें उनके सपनों को सच करने से रोकता है। तो ऐसा क्या है जो आपको बड़े सपने देखने से रोकता है? ऑथर ने यहाँ तीन ऐसे कारण बताए हैं जो आपको बड़े सपने देखने से रोकते हैं। एक, आपके अंदर ज्ञान, अनुभव और कौशल की कमी हो सकती है। दो, धन और स्रोतों की कमी हो सकती है। तीन, समय और सहायता की कमी हो सकती है। यहाँ यह भी संभव है कि ऊपर दिए गए ये तीनों ही कारण आपको बड़े सपने देखने में रुकावट पैदा करते हों। लेकिन जरा सोच कर देखिए, क्या व्यापार करने के लिए ये तीनों कारण जरूरी है या कोई और भी तरीका हो सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं बिना यह जाने कि वह कैसे किया जाता है, आप बिना धन या स्रोत के भी व्यापार कर सकते हैं, आप बिना समय व सहायता के भी व्यापार कर सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। ये सब सुनने में आपको बिल्कुल बकवास लग रहा होगा, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ शेयर निवेश के अवसरवादी जगत में ही संभव हो सकता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस ऑडियो बुक समरी में आप शेयर निवेश के इसी अवसरवादी जगत के बारे में अच्छे से जानेंगे। आप शेयर बाजार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? शेयर बाजार में पूंजी बढ़ाने के बहुत से अवसर मौजूद है। एक, शेयर बाजार में निवेश करना किसी भी अच्छे व्यापार में हिस्सेदारी पाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि यहाँ आपका धन पूर्णतः समर्पित बिजनेस मैनेजरों के हाथों में होता है। यहाँ आप अपना धन अच्छी संभावनाओं वाले उद्यमों में लगा सकते हैं, जिनका प्रबंधन वॉरेन बफे, रतन टाटा, गोदरेज आदि जैसे पॉजिटिव विचारों वाले लोगों के हाथों में होता है। ऐसे लोग रोजाना पेशेवरों की बड़ी टीम के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि उनका बिजनेस सफल रहे। उनके बिजनेस की सफलता से ही आपकी पूंजी बढ़ती है। तो क्या आपको लगता है कि अपनी पूंजी बढ़ाने का इससे बेहतर कोई और तरीका भी है, जहां रतन टाटा और गोदरेज जैसे दिग्गज लोग आपके लिए काम कर रहे हैं? दो, आप यहां किसी भी बिजनेस में एक छोटी सी धनराशि निवेश करते हैं जो समय के साथ व्यापार मूल्य बढ़ने पर कई गुना हो जाती है। तीन, यहां धन निवेश करके उसे भूल जाने की जरूरत होती है, क्योंकि किसी भी व्यापार को बढ़ाने और सफल होने में समय लगता है। शेयर बाजार अपनी पूंजी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। आप जरा सोच कर देखिए, क्या आपको किसी नए कारोबार में पहले ही दिन से मुनाफा होने लगता है? बिल्कुल नहीं। आप धैर्य रखकर व्यापार के बढ़ने का इंतजार करते हैं। आप कई वर्षों तक 12 घंटे काम करते हैं, तब जाकर व्यापार में मुनाफा कमा पाते हैं। शेयर बाजार भी ऐसा ही है। आपको सही शेयर चुनकर इसे बढ़ने का समय देना पड़ता है। कुछ समय बाद जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगता है, आपके निवेश किए गए शेयर का मूल्य भी बढ़ता है और आप मुनाफा कमाते हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में प्रसिद्ध वैल्यू स्टॉक इन्वेस्टर पीटर लिंच कहते हैं
कि हर किसी में इतना दिमाग है कि वह स्टॉक मार्केट को समझ सके। अगर आप पांचवी कक्षा का गणित कर लेते हैं तो आप भी स्टॉक मार्केट को समझ सकते हैं। चलिए एक एक करके शेयर मार्केट से जुड़ी सभी बुनियादी बातों को समझते हैं। शेयर स्टॉक किसे कहते हैं? किसी भी कंपनी को काम करने तथा विकसित होने के लिए एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। कंपनी के लिए धन की व्यवस्था करने का एक आम तरीका होता है किसी बैंक से लोन लेना, जिस पर कंपनी को प्रत्येक माह एक निश्चित धनराशि ब्याज के रूप में बैंक को देनी पड़ती है। इसके अलावा कंपनी के पास धन इकट्ठा करने का एक और तरीका होता है, कंपनी के शेयर जारी करके। इन्हीं शेयरों को आम लोगों यानी आप जैसे लोगों द्वारा खरीदा जाता है। कंपनी की पूंजी को जिन छोटी इकाइयों में बांटा जाता है उसी को शेयर कहते हैं। शेयर शब्द का मतलब कंपनी में हिस्सेदारी है। अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो इसका मतलब आपके पास उस कंपनी का स्वामित्व है। आपको पूरा अधिकार होगा कि आप उस कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदार बने। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। आम बाजारों में आप केवल खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन शेयर बाजार में आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इस तरह आप दोनों ही स्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी संस्था है जो उस बाजार की मेजबानी करती है जहां शेयर बेचने व खरीदने वाले साथ आकर शेयरों का सौदा खरीदना या बेचना करते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो शेयर क्रेताओं और विक्रेताओं को मिलाने वाले मंच को स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। शेयरधारक पैसा कैसे कमाते हैं? किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के बाद आप दो तरह से पैसा कमाते हैं। पहला डिविडेंड आय के रूप में और दूसरा निवेश का मूल्य बढ़ने पर। एक डिविडेंड आय किसी भी कंपनी द्वारा कमाया गया मुनाफा या तो पुनः बिजनेस में निवेश कर दिया जाता है या आय के हिस्से के रूप में शेयरधारकों के बीच बांट दिया जाता है। शेयरधारकों को दिए जाने वाले मुनाफे के हिस्से को डिविडेंड कहा जाता है। दो निवेश मूल्य वृद्धि। शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने का मुख्य उद्देश्य निवेश के मूल्य को बढ़ते हुए देखना है। शेयर की मांग कंपनी के प्रदर्शन से प्रभावित होती है जिसके परिणाम स्वरूप शेयर के भाव में बदलाव होता है। शेयर का भाव बढ़ने से निवेश के मूल्य में वृद्धि होती है। निवेश के मूल्य में जितनी वृद्धि होती है उतना ही शेयरधारक को मुनाफा होता है। शेयर बाजार में जोखिम मिथक या वास्तविकता। विलियम फेदर कहते हैं कि शेयर बाजार की सबसे मजेदार बात है कि हर बार जब कोई व्यक्ति खरीदता है तो दूसरा बेच रहा होता है और दोनों ही अपने आप को चतुर समझ रहे होते हैं। क्या आप नुकसान से डरते हैं? क्या आप शेयरों में अपनी मेहनत की कमाई डूबा चुके हैं? क्या आपको शेयर बाजार जोखिमपूर्ण लगता है? अगर हाँ तो यह अध्याय आपकी आंखें खोल देने वाला साबित होगा। ज्यादातर लोग शेयर बाजार में पैसों के निवेश को जुआ खेलने के सामान ही समझते हैं, जहां कुछ ही पल में पैसे गंवाने की संभावना ज्यादा होती है। ऑथर कहते हैं कि शेयर बाजार में निवेश जुए जैसा बिल्कुल नहीं है। आप शेयर बाजार में पैसा तभी गंवाते हैं अगर आप एक धैर्यहीन ट्रेडर है। शेयर बाजार अपनी पूंजी को कई गुना बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है, बस आप इस खेल के नियमों को अच्छे से जानते हों। शेयर बाजार निवेश में सफलता की सबसे प्रसिद्ध कहानी वॉरेन बफे की है, जो धरती के सबसे सक्सेसफुल निवेशकों में से एक है। वॉरेन बफे ने सारी संपत्ति शेयर मार्केट में निवेश करके कमाई है। अब विडंबना देखिए कि वित्तीय गुरु न होने पर भी वॉरेन बफे आज एक मल्टी बिलियनियर है। शेयर मार्केट निवेश आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाया है। हमें किसी भी स्कूल या कॉलेज में यह नहीं सिखाया गया कि शेयर बाजार में निवेश कैसे करें। इसीलिए आज भी हम लोग शेयरों में निवेश की बुनियादी बातों से अनजान हैं। आखिर क्यों आज भी ज्यादातर लोग शेयरों में निवेश करने से डरते हैं? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। पुराने समय में शेयरों के भाव बोली लगने के आधार पर तय किए जाते थे।
प्रभावी कानून व्यवस्था न होने के कारण अनेक अनुचित स्पेक्युलेशन हो जाते थे, जिससे भीतर के लोग भारी मुनाफा कमाते थे और बेचारे गरीब निवेशक धन कमाने के चक्कर में फंस जाते थे, जिसके कारण शेयर बाजार की छवि धीरे धीरे खराब होने लगी और उसी का प्रभाव आज भी दिखाई देता है, जिसके चलते आज भी ज्यादातर लोग शेयरों में निवेश करने से डरते हैं। लेकिन 2 अप्रैल 1992 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नामक नियामक बोर्ड का गठन हुआ, जो भारत में शेयरों का केंद्रीय नियंत्रण करता है। यह संस्था सभी निवेशकों के हित में कार्य करती है। आज के समय में यह कहना गलत नहीं होगा कि शेयर बाजार शीशे जैसा साफ सुथरा है, यह आपको वैसा ही दिखता है जैसा आप देखते हैं। शेयर बाजार बनाम अन्य वित्तीय निवेश। ज्यादातर लोग आज भी जब निवेश के बारे में सोचते हैं, तो उनके दिमाग में सबसे पहले गोल्ड में निवेश करने का विकल्प आता है। अगर उनके पास पैसा ज्यादा है तो वह जमीन खरीदने का विकल्प चुनते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि किस विकल्प को चुनकर उनको अधिक रिटर्न मिलेगा। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इक्विटी, डिबेंचर, प्रॉपर्टी और गोल्ड निवेश किस तरह काम करता है और कौन से विकल्प चुनकर आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। एक डिबेंचर। डिबेंचर सिर्फ एक बांड है। जब कंपनियों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, तो कंपनी एक निश्चित ब्याज दर पर पैसा उधार लेती है। यदि आप डिबेंचर में निवेश करते हैं, तो आपको एक फिक्स्ड रिटर्न के साथ अपना जमा किया गया मूलधन भी वापस मिल जाता है। दो, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, जो एक गरीब इंसान के लिए सपना देखने से कम नहीं है। प्रॉपर्टी की कीमत बयाने में काफी समय लगता है। यहाँ अच्छे रिटर्न पाने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है। तीन, गोल्ड। पिछले कुछ वर्षों से गोल्ड की बढ़ती मांग के चलते इसके मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। संतोषजनक रिटर्न कमाने वाले इन्वेस्टर्स के लिए यह निवेश का एक अच्छा तरीका है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी यह पाई जाती है कि गोल्ड कीमत बढ़ाने का कोई बुनियादी तरीका नहीं होता। चार, इक्विटी। सोना, जमीन और बॉन्ड की तुलना में इक्विटी में निवेश को ज्यादा जोखिमपूर्ण माना जाता है, लेकिन यह अच्छे रिटर्न पाने का सबसे बेहतर विकल्प है। इक्विटी निवेश तभी बेहतर साबित होता है जब आप उचित दृष्टिकोण से निवेश करते हैं। पिछले 18 वर्षों का रिटर्न देखने से पाया गया कि बॉन्ड, प्रॉपर्टी, गोल्ड और इक्विटी में निवेश करके इन्वेस्टर्स को क्रमशः 9%, 11%, 12%, 14.6% के रिटर्न प्राप्त हुए हैं। इक्विटी में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने के बावजूद भी आज भी भारत में शेयरों में निवेश करने को सबसे अंतिम विकल्प माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि अच्छे रिटर्न के अलावा शेयरों में निवेश करने के क्या लाभ होते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कम टैक्स देना पड़ता है। शेयर निवेश से डिविडेंड जैसी नियमित आय मिलती है तथा समय के साथ निवेश पूंजी का मूल्य भी बढ़ता है। शेयरों में निवेश करने पर सोने की चोरी तथा प्रॉपर्टी के मामले में अवैध कब्जे जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। शेयर बाजार में उच्च तरलता एवं आसानी से सौदा करने का गुण होता है। यहाँ निवेश की गई धनराशि को आप सेकंडों में वापस निकाल सकते हैं। नए निवेशकों का एक आम सवाल होता है कि क्या इक्विटी निवेश बाकी विकल्पों की तुलना में हर बार बेहतर रिटर्न देता है, तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इक्विटी निवेश के रिटर्न बेहतर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह कहना न्यायोचित नहीं होगा कि इसका प्रदर्शन हर समय बेहतर ही रहे।